यहाँ कूड़ा डालना सख्त मना है, जुर्माना 5,000 रुपए। आपको बता दें कि सामने दीवार पर ये लिखा हुआ है और उसके सामने जो है किस तरह से कूड़े कचरे के ढेर लगे हुए हैं, और आप देख सकते हैं जो पशु है वो भी इसी कूड़े को खाते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि जो ये सामने वाली कॉलोनी है ये रूप कॉलोनी है, रूप कॉलोनी के सामने आप देख सकते हैं कितना ज्यादा कूड़ा कचरा यहाँ पर मौजूद है। और आपको एक बात और बता दें कि ये सदर बाजार का एरिया लगता है और साथ में यहाँ पर खाटू श्याम का मंदिर भी है, लेकिन मंदिर के सामने ही जो है किस तरह से कूड़े कचरे के यहाँ पर ढेर लगे हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है गंदगी फैली हुई है, कहीं ना कहीं आस पास के लोगों को बीमारियों का डर भी होगा। और हम आपको बता दें पहले भी हमने यहाँ पे कई बार आकर देखा है, यहाँ पर इसी तरह ही हमेशा कचरे के ढेर लगे जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं। जी भैया जी, ये कचरा कहाँ से आता है, कौन डालता है? ये लोग ही घेर के जाते हैं जी, इधर वाले कॉलोनी के भी आते हैं जी, इधर के भी आते हैं। आप कौन हो? मैम तो वर्कर है जी, सुबह सुबह करने लग रहे हैं। आप कूड़ा कहाँ डालते हो? मैम तो यही है जी, हमारी तो ड्यूटी जी, जैसे रेडियो लेके आते हैं पलटते हैं जी। ये इन रेडियो में लेके आते हो? अच्छा, तो ये खड़ी है जी, कुछ रेडियो है निगम वालों का। निगम वालों ने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, बोर्ड बनाया हुआ है पेन से, कोई भी नहीं रुकता जी। निगम की गाड़ी है यहाँ पे कूड़े डाल रही है, निगम ने बोर्ड लगाया। ये देखो जी, रेडियां खड़ी है सारी, यहीं पर खड़ी हुआ जी, पॉइंट बना रखा जी, ये पॉइंट बना रखा है। हाँ जी, मंदिर सामने आने जाने वालों का रास्ता है, कॉलोनी के सामने पॉइंट बना बहुत। निगम वाले जानते हैं जी, हमारी तो ड्यूटी है, देखो हमने तो अपना काम करना जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बातचीत भी की है, ये निगम की रेडियो में कूड़ा ला के यहीं पर डालते हैं। ये बकायदा साफ साफ बोल रहे हैं कि ये पॉइंट है, हम यहीं पर डालते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मंदिर के सामने पॉइंट, जी हाँ, ये देखिए खाटू श्याम का मंदिर है और सामने पॉइंट है, और किस तरह से जो पशु है यहाँ पर कूड़ा खाते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पर एक सामने फर्नीचर की दुकान है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। और आपको एक बात और बता दें, ये रूप कॉलोनी है, अगर करनाल में रूप कॉलोनियों का ये हाल है तो और कॉलोनियों का क्या हाल होगा, वो आप सोच सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर लिखा भी हुआ है रूप कॉलोनी सदर बाजार। तो चलिए, यहाँ पर एक बार जो अंकल मौजूद है उनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार अंकल जी। नमस्ते जी। हाँ, तो ये आपकी दुकान है, यहाँ पर सामने कूड़ा कचरा डालते हैं, कौन लोग डालते हैं? ये कमेटी वाले, जाती नगर निगम वाले भी ले आते हैं पूरी कट्टी जी। इंस्ट्रक्शन दे रखी है वहाँ पे, मालिक रखा है जी वहाँ पे, कूड़ा डालना मना है, फिर भी नहीं मानते, हम मना नहीं कर सकते जी। क्या निगम की गाड़ियां यहाँ पे, रेडिया वहाँ पे, रेडिया भी खड़ी है जी। हाँ, ये एक बता रहे हैं, ये रेडिया भी यहीं पे कूड़ा डालती है, पॉइंट है जी। पॉइंट तो ये जगह थोड़ी पॉइंट की जी, पहले रामलीला ग्राउंड में पॉइंट थी, वहाँ से हटा दिए थे, यहाँ रखने लग गए। अच्छा। हाँ जी, पहले रामलीला ग्राउंड में थी, अब यहाँ पे रखा, यहाँ गिर दी जी, कहीं ना कहीं जहाँ पे रामलीला होती थी और वहीं पे कूड़ा डालते थे। और अब जो खाटू श्याम का मंदिर है, क्या करें जी, बताओ क्या कर सकते हैं जी। तो आसपास की लोगों को बीमारियों का भी डर है? तो बीमारी का डर तो है जी, लेकिन क्या कर सकते हैं बताओ, ये नगर निगम वाले हैं, खुद इनको देखना चाहिए। तो प्रशासन से क्या अपील करना चाहिए? प्रशासन को करना चाहिए यहाँ सफाई जी, बंदे दुनिया भर के आते हैं शाम को जी, सुबह शाम इधर भीड़ लगती है बंदों के आने जाने की, आसपास बच्चे भी छोटे छोटे खेलते, कहीं ना कहीं बीमारी, आने जाने की एंट्री बहुत ही बच्चे आते हैं, पूरा सदर बाजार एरिया जी। तो आप देख सकते हैं, हमने पे बातचीत भी की है, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ खेलते हैं, और किस तरह से खाटू श्याम का मंदिर भी है, और इन्होंने बताया किस तरह से पहले जो है रामलीला ग्राउंड में, जहाँ पे रामलीला होती थी वहां पे कूड़ा डाला जाता था, लेकिन अब रामलीला ग्राउंड से पॉइंट हटाकर यहाँ पे रूप कॉलोनी, आपको बता दें कि सदर बाजार का एरिया ये लगता है, इसके सामने ही जो है आप देख सकते हैं फर्नीचर वाले से हमने बातचीत की, उनके सामने ही जो है कूड़ा कचरा पे डाला जाता है। और एक बात और पता चली है कि नगर निगम की जो रेडिया है, ये रेडिया आप देख सकते हैं आसपास, ये रेडिया देख सकते हैं किस तरह से इन रेडियो के द्वारा भी यहीं पे कूड़ा डाला जाता है, क्योंकि पॉइंट बन चुका है, आने जाने का रास्ता है। और इस तरफ भी आपको बता दें कि इस तरफ भी एक मंदिर और भी है, वहाँ आने जाने में यहाँ पे मतलब दो मंदिर है, और फिर भी यहीं पर कूड़ा डाला जाता है। तो आप देख सकते हैं कि करनाल में सीएम सिटी के क्या हालात है। तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए, और आपके एरिया का क्या हाल है वो भी हमें कमेंट में जरूर बताइए।